दिल्ली में हुए शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता एक एक करके लगातार ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद बुधवार को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 10 घंटे की मैराथन छापेमारी के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह को गिरफ्तार कर ईडी ऑफिस ले आई और आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठाता, ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ, घोटाले के खिलाफ, इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक संजय सिंह का नाम बिचौलिए दिनेश अरोड़ा ने लिया। दिनेश ने कहा था कि वह सिंह से अपने रेस्टोरों अनप्लग कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान मिले। 2020 में सिंह ने रेस्टोरों मालिकों से दिल्ली विधानसभा चुनाव के वास्ते आम आदमी पार्टी के लिए कथित तौर पर धन जुटाने के लिए कहने का अनुरोध किया था। और संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सियासी बहस काफी छिड़ चुकी है। अपने एक और नेता की गिरफ्तारी से नाराज सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं और पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किंग पिन तो केजरीवाल है। पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर गुस्सा उतारा है। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए सीएम केजरीवाल को ही घोटाले का किंग पिन बता दिया। खबर चल रही थी कि जो शराब घोटाले के किंगपिन हैं, सरगना हैं, उनका बाया हाथ आज घबरा के हिल रहा है, डर लग रहा है। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने भी इस गिरफ्तारी का विरोध किया है। तो सिक्किम में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। लापता सेना की 22 जवानों की तलाश लगातार जारी है। उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई और नदी में आया सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। कई मकान पूरी तरह पानी में डूब गए और कई घरों के ग्राउंड फ्लोर पानी में समा गए। बाढ़ की वजह से अब तक पाकयोंग में 7, मंगन में 4 और गंगटोक में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तीस्ता नदी के सैलाब में सिंगताम के पास बारदांग में सेना के जवानों को ले जा रही गाड़ी बह गई और सेना के 23 जवान लापता हो गए, जिनमें से एक जवान का रेस्क्यू कर लिया गया और बाकी 22 जवानों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिंगताम जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कर हालात पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम प्रेम सिंह तमांग से बात कर हालात की जानकारी ली और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। सिक्किम सरकार ने इस भीषण बाढ़ को आपदा घोषित किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के सभी स्कूल कॉलेजों को 8 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लकड़ी का पुल टूटने से एक युवक नदी में बह गया। एक मिनट में पूरी खबर देखिए, पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया है। आसनसोल के कसाई मोहल्ला इलाके में लकड़ी का पुल पार करते वक्त एक युवक पानी की तेज धार में बह गया। वायरल वीडियो में एक युवक दो हिस्सों में बटे लकड़ी के पुल को पार करने की कोशिश करता नजर आया। मौके पर मौजूद लोग चिल्लाकर युवक को रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन युवक को अपने घर जाने की इतनी जल्दी थी कि उस पर लोगों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हुआ और वो टूटे पुल पर आगे बढ़ता गया। युवक जैसे ही पुल के बीच में पहुंचा, तभी पुल का बाकी हिस्सा भी टूटकर गिर गया और युवक पानी की तेज धार में बह गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में से किसी ने युवक का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में युवक को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और उसकी जान बच गई। तो मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया। आप देखिए एक मिनट में पूरी खबर।
पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत कई राज्यों में भारी बारिश के बाद लोग बेहाल हैं और उनकी ये मुसीबत अगले कुछ दिन और जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भारी बारिश का अनुमान है। अगले दो दिन यानी 6 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सिक्किम के गंगटोक, नामची, मंगन, पाक्योंग में सभी स्कूल 8 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश के साथ साथ तेज आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव के लिए बीजेपी की जोरदार तैयारियां जारी हैं। पीएम मोदी एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। आज एक बार फिर वो राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम मोदी दोनों राज्यों में 17,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें से राजस्थान को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। इसमें सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी खासकर जोधपुर को बड़ी परियोजनाएं देने जा रहे हैं। IIT जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। एम्स ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री 1,850 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें कटनी विजयसोता और मरवा संग्राम सिंगरौली को जोड़ने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। तो जातिगत जनगणना पर सियासी गलियारों में अभी बहस जारी है और दिन पे दिन ये बहस बढ़ती जा रही है। बिहार के बाद कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग उठ रही है। जातिगत जनगणना को लेकर सियासी गलियारों में तलवारें खींची हुई हैं। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। बिहार के बाद अब कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग उठ रही है। हालांकि बिहार में हुई जनगणना को लेकर बीजेपी और सत्ता पक्ष के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी ने इस सर्वे को लेकर कई सवाल उठाए हैं। मैं पटना का सांसद हूं, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, न कोई मिलने की बात की। बीजेपी के इन आरोपों को RJD ने न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कई आरोप लगाए हैं। HAM अध्यक्ष और पूर्व CM जितिन राम मांझी ने तो नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल में बदलाव करने की मांग की है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनके नेतृत्व में भारत विकास के मामले में काफी प्रगति कर रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध में भारत का जो साथ रूस को मिला है उसने उसे दुनिया से लड़ने की ताकत दी है। यही वजह है कि हर मोर्चे पर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद किए बिना नहीं रह पाते। पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें बुद्धिमान व्यक्ति कहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में भारत विकास में बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। इस एजेंडे पर काम करना भारत और रूस दोनों के हित से पूरी तरह मेल खाता है। पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान की भी पुतिन ने जमकर सराहना की। आप जानते हैं हमारे पास तब घरेलू स्तर पर निर्मित कारें नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास है। ये सच है कि वे मर्सिडीज या ओडी कार की तुलना में अधिक मामूली दिखती है, जो हम 1990 के दशक में बड़ी मात्रा में खरीदारी की गई, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अपने कई साझेदारों का अनुकरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत, वे भारतीय निर्मित वाहनों के निर्माण और उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सही काम कर रहे हैं। वो सही है।